आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सेस 24 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो माहौल है वो नाच गाने और स्लोगन में बदलता जा रहा है। जैसे जैसे परिणाम आ रहे हैं जो लेफ्ट स्टूडेंट्स है उसमें खुशियों का माहौल देखा जा रहा है। जो चारों पैनल सीट्स है उसमें बड़ी बड़ा आपको लेफ्ट के स्टूडेंट बनाए रखे हैं। आप देख सकते हैं एन साई बालाजी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सिटिंग प्रेसिडेंट है वो किस प्रकार से अपने जितने जो उनके जो जितने सिंपथाइजर है जो पार्टी मेंबर्स हैं उनके साथ कैसे नाच रहे हैं। और एक तरीके से लग रहा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का माहौल है वो काफ़ी अलग। इधर आप देख सकते हैं बापसा के जो छात्र हैं वो काफ़ी देर से अपना नाच कर रहे हैं। जितेंद्र सुना काफ़ी पॉपुलर कैंडिडेट इस बार है, खुद उन्होंने ढोल बजा रहे हैं, आप देख सकते हैं ढोल उनकी बज रही है। और जो छात्र हैं बापसा के खासकर मेंबर है वो लगातार वो नाच रहे हैं, काफ़ी देर से नाच रहे हैं, एक तरह से खुशियों का इजहार कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बापसा धीरे धीरे एक स्ट्रांग पार्टी बनती जा रही है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है अभी तक जो लग रहा है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। जो नृत्य है वो आप देख सकते हैं कैसे किस प्रकार से जो छात्र है वो किस प्रकार से जो अपनी पार्टी है उसके लिए किस तरीके से खुश है उसको उस खरोश में डांस कर रहे हैं। और बाकी आप छात्राओं को देख सकते हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पढ़ती है और बापसा में की फॉलोअर है, बापसा की पार्टी मेंबर है, बापसा की सिंपथाइजर है। एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कैंपस एक अलग तरीके का चुनाव देखने को मिलता है, ऐसा शायद ही भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में यह माहौल है। और जिस प्रकार का नाच आप देख रहे हैं जो बापसा के छात्र हैं किस प्रकार से ग्रुप बना के झुंड बना के डांस कर रहे हैं, और आप पूरा जेएनयू कैंपस देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ जम गया है, माहौल है। बारात के 12 बजे ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन हज़ारों छात्रों की भीड़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में टिकी हुई है। हर कोई यही सोच रहा है हमारी पार्टी जीतेगी, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कई मेहनत की, कई महीनों की मेहनत है। जितेंद्र सुना एक बड़े ही उभरते हुए सितारे की तरह उभरे हैं दलित राजनीति में, लेकिन देखना होगा आगे की राजनीति की कैसी होती है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं तो इस प्रकार से पिछले साल भी देखा था जैन जिज्ञासु का भी नाम आपको कैंपस में काफ़ी आगे बढ़ा था लेकिन वो भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। और अभी भी जो रिजल्ट है वो बापसा के पक्ष में तो नहीं है लेकिन बापसा के जितने समर्थक हैं उनको देखकर लगता है वो काफ़ी खुश है, काफ़ी डांस कर रहे हैं। जो भी स्कूल से जो परिणाम आए हैं वो उनके पक्ष में तो नहीं है लेकिन वो अपने पार्टी के अपने मेंबर्स के अपने सपोर्टर्स को वो जोशो खरोश से भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। जो नृत्य आप देख सकते हैं छात्र छात्राएं मिलकर नच रही हैं, जय भीम के झंडे लगते हुए सतरंगी सलाम का झंडा है, सारे छात्रों ने अपने सर में नीली पट्टी बांधी है, नीला रंग जो दलितों से जुड़ा हुआ है भीम आर्मी के साथ देखते हैं आप, बसपा जो मायावती की पार्टी है उसके साथ देख सकते हैं, वही आपको बापसा कैंपस में लाने की कोशिश में है। हालांकि बापसा अपना कोई भी संबंध आपको बहुजन समाजवादी पार्टी से नहीं जोड़ती, कहते हैं इंडिपेंडेंट है हम बापसा से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन छात्रों को देखना है, जोश है, देखने लायक है। राजनीतिक जो विचारधारा है सारी पार्टियों का भी अलग हो सकती है लेकिन जो तरीका है जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में चुनाव होने का और जो चुनाव के समय जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग है। बाकी आप जब DU के यूनिवर्सिटी देखते हैं चुनाव, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी का चुनाव देखते हैं उससे काफ़ी अलग माहौल है। बापसा ने बहुत जगह झंडे लगाए हैं जय भीम सतरंगी सलाम के, एक तरीके से इन्होंने इस क्षेत्र को थोड़ा नीला कर दिया है। और जो ढोल बजा रहे हैं जो कहते हैं इनका जो बड़ा ढोल आप देख सकते हैं जो छात्र बजा रहे हैं ये इनका एक तरीके से पहचान बन चुका है। हालांकि लेफ्ट के छात्र हैं वो भी इस तरह इसी प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसी तरीके से वो भी अपने जितने फॉलोअर्स हैं उसको अब ऐसा खासकर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है वो किस प्रकार से अपने देखिए अब एन साई बालाजी है और जो लेफ्ट के छात्र हैं किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। अभी तक जो परिणाम है वो लेफ्ट के पक्ष में ही गया है और लेफ्ट के छात्रों के पक्ष में गया है। चारों जो
पैनल सीट्स है, चाहे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उनके पक्ष में है, लेकिन बापसा का अपना जोश है, वो उस पर काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और अलग तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ग्रुप डांस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको और जो विभिन्न दल है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसमें एक मायूसी सी दिखती है। राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे कैंपस से मजबूत हो रहा है, लेकिन उनमें वैसे जोश नहीं है। NSUI के कुछ छात्र हैं जो इस तरफ आपको NSUI का झंडा बुलंद कर रहे हैं, वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन वैसी भीड़ यहाँ नहीं दिखती जो बापसा और आपको बाकी दल के छात्रों में दिखती है। यहाँ आप देख सकते हैं RJD का स्थान है, जो छात्र राजद कैंपस में नया नया आया है। यहाँ पर लालू यादव की तस्वीर देख सकते हैं, बाकी उनके जो नेताओं की तस्वीर देख सकते हैं, इस प्रकार से लगाई। लेकिन जो भीड़ है वो आपको बापसा और लेफ्ट छात्रों में है। बापसा एक उभरती हुई पार्टी मानी जा रही है कैंपस की, लेकिन लेफ्ट की जो दीवार है उसे भेद करना यहाँ काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर भी आपको देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, वो भी काफ़ी मायूस बैठे हैं, क्योंकि जो अभी तक परिणाम आए 450 वोटों में, वो भी इसमें काफ़ी पीछे चल रहे हैं। लेकिन बाकी जो लेफ्ट और बापसा है, बापसा अभी भी काफ़ी पीछे है लेफ्ट से, लेकिन फिर भी जो हुजूम है, जो सपोर्टर्स हैं, जिस प्रकार का उन्होंने माहौल बना दिया है, ये काफ़ी अलग है। इसका आप जब आप अनुभव करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये कैसा अलग अनुभव है। यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी के चुनावों से काफ़ी अलग होता है, यहाँ का चुनाव का अलग तरीका है, प्रोसेस है, और उसको जो काउंटिंग प्रोसेस वाले टाइम जो इस प्रकार के नेते होते हैं, ये काफ़ी अलग हैं। तो हम लगातार यूनिवर्सिटी पर अपनी कवरेज बनाए रखे हैं, जो भी परिणाम आ रहा है मुझसे आपको रूबरू कर रहे हैं। लगातार अगर आप यूनिवर्सिटी की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे चैनल 24 को सब्सक्राइब करें।